आपको यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, 20,632 रुपए विड्रॉल हो चुका है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोबीक्विक एक्स्ट्रा के बारे में, मोबीक्विक एक्स्ट्रा क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप मंथली 1,000 से 2,000 इजीली कमा सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो रही है, वीडियो को भी इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा होम स्क्रीन पे। तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया था, 20,000 का अभी तक देख सकते हैं 632 रुपये इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है मेरा। तो मैंने बताया था अगर से आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मंथली 1,000 से 2,000 यहाँ से आप कमा सकते हैं इजिली। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसे आप ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर करने के बाद इसमें इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इजिली रिटर्न मिल जाएगा। सपोज आपकी लिमिट 50,000 है तो 50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए एक महीने के लिए। एक महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 500 रुपये मिल जाएगा। और अगर से आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है तो 1,00,000 इन्वेस्ट कर दीजिए एक महीने के लिए, एक महीने में आपको 1,000 रुपये इंस्टेंट मिल जाएगा आपको। पैसा ही पैसा होगा एक महीने के बाद। लेकिन तो यहाँ से मैंने 20,000 इन्वेस्टमेंट किया था, ये भी मेरे क्रेडिट कार्ड का ही बैलेंस है। और जिस क्रेडिट कार्ड से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका ड्यू डेट आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको रिडीम करके आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको रिडीम करना है और कितना चार्ज लगता है, जीरो लगता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पे इन्वेस्ट मोर पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑफर शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं प्लस है और फ्लेक्सी है। प्लस वाले में क्या रहता है गाइस, आपको लॉक पीरियड मिलेगा, यहाँ पे 13% का रिटर्न मिलेगा और फ्लेक्सी में 12% का रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं 12% रिटर्न लिखा हुआ है और प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 12.99, मतलब कि 13% का आपको रिटर्न मिलेगा। और प्लस का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप विड्रॉल नहीं कर सकते। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने का है, 6 महीने का है, 9 महीने का, 12 महीने का। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मैं 3 महीने पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अगर से आप 1,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 महीने बाद 32 रुपये मिलेगा। तो यहाँ से मैं अमाउंट बढ़ा दे रहा हूँ, मैं 1,000 और लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने बाद 320 रुपये मिलेगा। और 3 महीने का अगर से फ्लेक्सी में जोड़ेंगे तो आपको 300 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फ्लेक्सी पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 का एक महीने में आपको 100 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो चलिए गाइज अब जानते हैं मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको बिल्कुल लाइव रिडीम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना होगा। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फुल अमाउंट डाल देना है, जितना भी आपका अमाउंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 20,632.01 पैसा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं 48 घंटे बाद ही आपका मनी क्रेडिट होगा अपने बैंक अकाउंट में। तो मैं विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है विड्रॉल करना चाहते हैं आप, तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, 20,632 रुपए विड्रॉल हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट टू योर अकाउंट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर में ही ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको पहले अभी दिखा दे रहा हूँ, मैंने ICICI बैंक में रिडीम किया है। और यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री पे क्लिक करके, यहाँ पे पहले आप डेट देख सकते हैं, 18 अप्रैल को यहाँ पे मैंने विड्रॉल किया है 1:03 पे। और यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, पेंडिंग में पड़ा हुआ है 20,632.01 पैसा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कितने दिन बाद मुझे ये क्रेडिट हुआ है बैलेंस। तो यहाँ से मैं इसको बैक कर ले रहा हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अब गाइस अगर से आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जितना भी आपको अमाउंट इंटर करना है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। सपोज मैं 10,000 डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 10,000 डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको मंथली सिलेक्ट कर देना होगा या फिर डेली भी सिलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली सिलेक्ट करके इन्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, जितना भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ से लिंक होगा। उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा वेरीफाई है, ICICI वाला, यहाँ पे मेरे वेरीफाई है। अगर से आप दूसरे बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको उस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। सपोज मैं HDFC से वेरीफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद 2 रुपये आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा।
और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करना होगा जितना भी आपने अमाउंट वहाँ पे एंटर किया है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको यूपीआई पिन डाल देना है, पिन डालने के बाद आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो में बस यही था, उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।